पूरी दुनिया एक तरफ थी, लिटरली पूरी दुनिया एक तरफ थी कि यार उस्मान बुज़दार को यार ना लगाओ। आई एम विटनेस टू इट। पूरी कैबिनेट उसके अगेंस्ट थी कि उसको ना लगाओ, पूरी फौज उसके अगेंस्ट थी कि उसको ना लगाओ। बच्चा बच्चा पाकिस्तान का कह रहा था कि यार ये किसको लगा दिया। ही वुड नॉट बज। प्राइम मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स ऑन हेल्थ बनाई हुई थी। बिल्कुल याद है मुझे, थी। आपको मालूम है कि हेल्थ मिनिस्टर उसका मेंबर नहीं था? ना करें जी। हेल्थ मिनिस्टर उस टास्क फोर्स में ऑन इनविटेशन बुलाया जाता था, जब दिल करे बुलाओ, जब दिल ना करे ना बुलाओ। और हु वाज रनिंग दैट टास्क फोर्स? नौशेरवान बरकी। डॉक्टर नौशेरवान बरकी वाज एक्चुअली द मैन बिहाइंड दैट टास्क फोर्स, ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर यूज्ड टू चेयर दैट, बट डॉक्टर नौशेरवान बरकी वाज द डी फैक्टो चेयर ऑफ दैट। कौन था डॉक्टर नौशेरवान बरकी? कौन था आपको पता है? नहीं मुझे नहीं। फर्स्ट कजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मे बी ही हिमसेल्फ, एंड आई कैन एक्चुअली knowing him, the bit that I know, I don't think so he's financially corrupt man. Okay. I don't think so. But अगर आपके इर्द गिर्द करप्शन हो रही है और आपको बताया जाए कि आपके घर में मसला है और आप आंखें बंद कर लें, what you would call it? ये भी करप्शन है। I rest my case. ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने, और उनके पास वो व्हाट्सएप मैसेजेस की कम्युनिकेशन ट्रेल मौजूद है, फरा वाला केस तो कि जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ये बताया कि जी फलाना डिप्टी कमिश्नर इतने करोड़ रुपए लेके अपनी ट्रांसफर कराई है और इस बंदे को पैसे दिए, एंड इफ यू डू नॉट एक्ट ऑन इट, क्या मैं कहूँ? अब उसमें शामिल हैं फिर तो, क्या कहूँ? हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टाइम स्लो पॉडकास्ट। आज मुझे डॉक्टर जफर मिर्जा साहब के साथ बैठकर बहुत ही खुशी हो रही है, बिकॉज ही हैज़ बीन एट वन ऑफ द मेन पोर्टफोलियोज इन पाकिस्तान, एंड दैट इज़ हेल्थ, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन हेल्थ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर साहब, हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू फॉर हैविंग मी, वेरी फाइन सर। थैंक यू सो मच वंस अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन जॉइनिंग Awam Pakistan Party, then holding the portfolio of spokesperson for that. So, how does it feel? पहली बात ये है जी कि I haven't joined it, I have founded it. One of the founding members, yes. So, many of us got together and we thought कि हमें ये एक पाकिस्तान जहाँ पे इस वक्त खड़ा है वहाँ हमें एक responsible political response की ज़रूरत है. और so it's not in any shock कि हम एक पार्टी बना लें, we thought के इसकी ज़रूरत है और it's responding to that need. और वो मार्गरेट मीड का मुझे बड़ा अच्छा कोट लगता है, where she says के never doubt that a thoughtful group of concerned citizens can change the world, actually it's the only thing that ever has. Some people always come up with resolve, join heads and hands, और वो शुरू करते हैं कोई काम, और अगर नेक नीति उसके अंदर हो, कमिटमेंट हो, विजन हो, लीडरशिप हो, तो वो फिर सोसाइटीज़ इसी तरह चेंज होती हैं। अच्छा, क्योंकि यू हैव बीन पार्ट ऑफ अनदर पार्टी आई गेस PTI, सो उसका भी जब वो बनाई गई तो मेन जो उसकी फाउंडेशंस की यही वजह थी कि पहले भी कुछ पार्टीज एग्जिस्ट करती थी और जिस तरह से उनकी डायनेस्टिक एक पॉलिटिक्स थी, या वो इतना ज़्यादा उन्होंने वो सिस्टम को जो है वो उसी सिस्टम का पार्ट बन गए थे, तो उसके लिए उन्होंने तहरीक इंसाफ बनाई। तो व्हाट डू यू थिंक कि वो जो पार्टी है PTI वो मकसद नहीं फुलफिल कर सकी, देन यू हैड टू फाउंड अनदर पार्टी? बड़ा अच्छा सवाल है आपका और बड़ा रेलिवेंट सवाल है। पहली बात यह है कि जस्ट करेक्शन, आई नेवर जॉइंड PTI। अच्छा। आई वॉज इन्वाइटेड बाई द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कि आप मेरी कैबिनेट एज ए टेक्नोक्रैट
ज्वाइन अगर करना चाहें तो ही मस्ट हैव डन हिज होमवर्क. और मैं तो उस वक्त WHO में काम कर रहा था. उस वक्त मेरी पोस्ट आई वॉज पोस्टेड इन कायरो इन इजिप्ट, और वहाँ पे मैं डायरेक्टर हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट था. अच्छा. सो आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 22 कंट्रीज. उन तक कोई बात पहुँची होगी कि कोई पाकिस्तानी है वहाँ पे कुछ कर रहा है. तो और हेल्थ में यकीनन उनका इंटरेस्ट था, और वो वाकई पाकिस्तान की हेल्थ के लिए कुछ करना चाहते थे. एनी वाज सीरियस अबाउट इट. ही वाज सीरियस अबाउट इट. फिर उनका देखे ना, पॉलिटिक्स में उनकी जो एंट्री है इमरान खान की, वो थ्रू हेल्थ है, क्योंकि उन्होंने शौकत खानम बनाया, उसकी वजह से वो और पॉपुलर हुए, लोगों ने उनको बहुत सपोर्ट किया, और तभी उनके ऊपर ये फिर प्रेशर बिल्ड होना शुरू हुआ कि वो पॉलिटिक्स में आए. अगर आपको याद हो वो ज़माना. ठीक है, आई गेट इट. जी. तो मुझे उन्होंने कहा, और मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं उस वक्त यूनाइटेड नेशंस में था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में था, लेकिन मैंने एक लम्हा भी नहीं लगाया ये सोचने में कि मुझे कोई तरद्दत करना चाहिए, कुछ नखरे करने चाहिए, कुछ सोच विचार करनी चाहिए, क्या होगा फ्यूचर ये वो. मैंने उनको स्ट्रेट, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था पर्सनली, तो और दो तीन दफ़ा किया था, और हमारी बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई इसके ऊपर. तो उसमें मुझे लगा कि देर इज़ यू नो लॉट ऑफ ही इज़ रियली इंटरेस्टेड एंड ऑल दैट. तो मैंने कहा जी मैं आई एम रेडी टू ज्वाइन यू एज एंड व्हेन यू वांट. ओके. तो तीसरे चौथे दिन मैं उनके साथ बैठा था यहाँ पाकिस्तान में, सब छोड़ छाड़ के मैं आ गया. अच्छा, हैविंग सेड दिस, मैंने कभी भी PTI एज ए मेम्बर पार्टी मेम्बरशिप नहीं ली. ठीक. आई स्ट्रेट वेंट इन टू द कैबिनेट. मैंने तकरीबन दो साल वहाँ पर काम किया. उस दौरान कोविड भी आ गया, आपको याद है, कोविड ने फिर हमें बहुत कुछ, और लोगों ने बहुत तारीफ की उस टाइम पर जिस तरह से. अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, वी डिड आवर बेस्ट, और अल्लाह की रहमत भी रही, और पाकिस्तान परफॉर्म्स बेस्ट ड्यूरिंग एमरजेंसीज. सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बड़ा जज्बा आ जाता है, और एवरीबॉडी वर्क्स, और ये बड़ा एक यूनिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए. मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा, कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट भी किया. और ये सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन की मुझे पहली दफ़ा समझ आई कि अगर ये पॉजिटिवली सही तरीके से ये दो सेक्टर्स काम करें तो पाकिस्तान कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड. यानी जो कोविड के दौरान पाकिस्तान ने नेशनल रिस्पॉन्स जनरेट किया, इट इज़ नाउ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 7 बेस्ट रिस्पॉन्सेज इन द वर्ल्ड. या ठीक है. तो पॉइंट मैं ये कह रहा था कि आई नेवर ज्वाइंट PTI. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हाउ डज इट फील, तो अब ये, उस वक्त मैंने पार्टी बावजूद प्रेशर के नहीं ज्वाइन की थी. बहुत सारे कैबिनेट कोलीग्स का थोड़े अरसे के बाद, खासतौर पे जो PTI के स्टारवॉर्ड्स थे, तो उन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा कहना शुरू कर दिया कि आप भी पार्टी ज्वाइन करें, यू हैव अ फ्यूचर दिस दैट. बट और मैं करना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और वो डिले होता गया, और मुझे फिर कुछ समझ भी आनी शुरू हुई कि ये सब कुछ क्या है, ये मैं किस दुनिया में आ गया हूँ, और जैसे ये बाहर से लगता था क्या ये वही है या उससे थोड़ा मुख्तलिफ है, तो ग्रेजुअली आई स्टार्टेड बिकमिंग डिसिल्यूजन्ड. तो दैट हेल्प मी ऑल्सो नॉट टू जॉइन द पार्टी. सो आई डिसाइडेड नॉट टू टेक मेम्बरशिप. सो आई वॉज नेवर पार्ट ऑफ PTI party, but I was part of the PTI government. Okay. ये फ़र्क है इन दो चीज़ों. हाँ बिल्कुल. अब अलबत्ता deliberately I have decided to opt for politics and I found a political party. और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जहाँ आन खड़ा हुआ है इस वक्त, जितनी इस वक्त मायूसी और जितनी गैर यकीनियत है पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में, और जितनी डिसल्यूजनमेंट एंड लैक ऑफ होप है ख़ासतौर पे हमारी यूथ के अंदर, और जिस तरह हम मुख्तलिफ क्राइसिस में घिरे हुए हैं इस वक्त, जिसको पोली क्राइसिस कहते हैं पाकिस्तान में, तो उसमें दो बुनियादी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हमने सोचा कि पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए. एक ये है कि अल्टीमेटली तमाम क्राइसिस का जो हल है वो पॉलिटिकल लीडरशिप से ही आता है, वो कहीं और से नहीं आता.
एक चीज़। और दूसरा हमारा ये एनालिसिस था कि पाकिस्तान में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं बड़े बड़े और जितनी भी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, दे हैव फेल्ड टू डिलीवर, दे हैव कम्प्लीटली फेल्ड टू डिलीवर। और उसका एक मैं आपको सिर्फ अगर इस सिलसिले में एक और चीज़ बता दूँ कि पिछले तकरीबन 3 से 5 साल के अरसे के दौरान पाकिस्तान की तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ वन वे और द अदर दे हैव रिमेंड इन पावर। अगर आप इस पे सोचें, ठीक है, तमाम बड़ी पार्टीज़। आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस लाइक आई वुड लाइक टू आस्क इसके ऊपर। PMLN, PPP, PTI, JUI और एंड यू कंटिन्यू डाउन द स्केल अप, जो भी बड़ी पार्टीज हैं ये तमाम पावर में रही हैं। And during all this period, Pakistan has continued to decline. Okay. In every respect of the world, in every respect of the world, politically, economically, socially, human development, you name it, industry, power sector, you even national cohesion, which itself is under question right now. Currently, we are in an existential threat. Sometimes the foundations are in question too. वही कह रहा हूँ ना कि cohesion, national cohesion is under question. कभी कभी ऐसे लगता है कि हम अगर rewind करें पाकिस्तान की history को तो 68 और 69 जो था 1968 और 69, अगर उस ज़माने के किसी आदमी को इस वक्त बुला लें हम तो उसको शायद ये बहुत मुख्तलिफ ना लगे। मैं बड़ी खौफनाक बात कर रहा हूँ आपके साथ क्योंकि 68-69 में जो पाकिस्तान के हालात थे उसका नतीजा क्या हुआ था, उसका नतीजा 71 देख लिया था। ठीक है, एंड वी वर एक्चुअली ब्रोकन एज ए पाकिस्तान। तो हम 68-69 मुझे कभी कभी लगता है कि उस पोजीशन पे पहुँच गए। तो क्राइसिस after crisis, over crisis, multiple layers of crisis, and all crises are interlinked and all ultimately direct you towards ke ji ye masail sare jo hain wo bhi bade wazeh hain, unke solutions bhi bade wazeh hain, lekin hamari politics, hamari governance aur hamari political leadership ye इसमें फॉल्ट है। इस वजह से बावजूद इसके कि हमें प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस का पता है, हम सॉल्व कर नहीं पा रहे चीज़ों को। तो ये वो पॉइंट था कि जिस पे वी थॉट के वी हैव टू री इमेजिन पाकिस्तान एंड वी हैव टू इंट्रोड्यूस ए न्यू जेनर ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। तो दिस वाज द रीज़न। अच्छा मिर्ज़ा साहब, एक और चीज़ आपने की कि ये जो पोलिटिकल पार्टीज हैं दे हैव फेल्ड टू डिलीवर, राइटली सेड सो, बट अगर हम देखें तो हेयर आई वुड डिसएग्री अ लिटिल बिट, बिकॉज मैं जो चीज़ देखता हूँ वो देखता हूँ दे समटाइम्स दे हैव बीन मेड टू फेल, लाइक देर हैज लेट्स टॉक अबाउट इट, या देर हैज बीन इंटरवेंशन और जो वो मोस्ट पावरफुल वॉइसेस हैं उन्होंने जिस तरह से इनको जो है वो हैंड, अभी आजकल की देखें, मैं इस पे बाद में आपसे आपकी टेक लूँगा कि जिस तरह से पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है या इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है तो दिस कैन हैपन टू यू, तो एंड फॉर दैट व्हाट डू यू हैव इन माइंड कि उसको हम कैसे करेंगे डील। दूसरे लफ्जों में आप ये कह रहे हैं कि आपने अपने आप को फायर वॉल कैसे किए फ्राम ऑल दोज इन्फ्लुएंसेस। ओके, तो बात ये है जी कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है कि इंटरफेरेंस बहुत रही है और आप ये बिल्कुल आर्गू कर सकते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको फुली काम नहीं करने दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस हैं या, उनकी तरफ या से। जी, और या उनको फुल स्पेस नहीं मिली वगैरह वगैरह। तो एक डेफिनेटली इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का तरीका ये, लेकिन एक और भी तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का, एंड आई वुड आर्गू कि पॉलिटिकल लीडरशिप का काम ही ये होता है कि वो चीज़ों को पॉसिबल करती है और वो जितने भी इन्फ्लुएंसेस हों उनमें से अपनी राह निकालती है और चीज़ों को कॉस्ट और
पॉलिटिकल लीडरशिप से ज़्यादा किसी को नहीं पता होता कॉन्स्टिट्यूशन का. आपने कहा ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस, हु इज़ द यू नो द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड द स्टेट, वो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप होती है. आपका कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में किसने बनाया था? पॉलिटिकल लीडर फौज ने तो नहीं बनाया था ना, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली ने. तो पॉलिटिकल लीडरशिप अक्रॉस द बोर्ड इन पाकिस्तान गॉट टुगेदर एंड इट वाज मेड पॉसिबल डिस्पाइट ऑफ ह्यूज आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस. उसमें पीपीपी ने भी दस्तखत किए थे, उसमें जमात इस्लामी ने भी दस्तखत किए थे, उसमें एएनपी ने भी दस्तखत किए थे, उसमें बलोचों ने भी दस्तखत किए थे, सिंधियों ने भी दस्तखत किए थे. ऐसे भी लोगों ने उस पर दस्तखत किए थे कि जो राइट विंग थे, और ऐसे भी लोगों ने उस पर दस्तखत किए थे कि जो कम्प्लीटली लेफ्ट लीनिंग. ठीक है, इट्स ए आर्ट ऑफ पॉसिबल. सो वी केम अप विद द कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा, उसके बाद अब तक जो कुछ हुआ है, मेरा आर्गूमेंट उसके अंदर ये है कि पोलिटिकल लीडरशिप हैज़ फेल्ड टू द वेरी कॉन्स्टिट्यूशन दैट दे डिवेलप्ड. They failed in protecting it and preserving it. And they failed because they made themselves available to be used by unconstitutional forces in Pakistan. और मैं आपको ज़ाती तजर्बे के ज़रिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तकरीबन 2 साल फेडरल गवर्नमेंट का मैं हिस्सा रहा हूँ. 2 साल मैंने हर हफ्ते कैबिनेट मीटिंग अटेंड की है. ठीक है, मैंने बहुत क्लोज से चीज़ें देखी हैं. मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान, जिनके साथ हमने बहुत उम्मीदें लगाई थी, मैंने ज़ाती तौर पे, इसीलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया था. आई हैड ग्रेट एंथ्यूजियाज़, आई हैड होप, आई थॉट के दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू चेंज पाकिस्तान. और बाहर रह के फिर और भी आपको वो होता है कि यू नो आपको बड़ी वो अर्ज होती है कि यार वाई यू आर नॉट देयर, वाई यू आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग. तो मेरा भी ये था. और मेरा ये ख्याल है कि जितना ह्यूज अपॉर्चुनिटी इमरान खान को मिला, मोस्ट पॉपुलर मैन इन पाकिस्तान, आर्मी फुली ऑन बोर्ड, वो सो कॉल्ड ऑन वन पेज, ठीक है, यस, एंड गिवन फुल फ्रीडम. तो आप पाकिस्तान को तब्दील करना चाहते हैं ना, आपके सारे गानों में है कि हम तब्दील करेंगे पाकिस्तान, करें तब्दील पाकिस्तान, हम आपको फुल इजाज़त दे रहे हैं, आप जो भी आप करना चाहते हैं करें. और एक्चुअली आर्मी वाज फुली सपोर्टिव ऑफ व्हाट ही वांटेड टू डू एंड ही फेल्ड टू डिलीवर. नॉट ओनली ही फेल्ड टू डिलीवर बट ही आल्सो ब्लाइंडेड हिज ही पुट यू नो ही क्लोज्ड हिज आईज टू व्हाट वाज गोइंग ऑन अराउंड हिम एंड ही मेड रॉन्ग डिसीजंस. And decisions which were not based upon on the best interest of Pakistan, but which were based upon God knows what. ठीक. यानि पूरी दुनिया एक तरफ थी, literally पूरी दुनिया एक तरफ थी कि यार उस्मान बुज़दार को यार ना लगाओ. I am witness to it. पूरी cabinet उसके against थी कि उसको ना लगाओ, पूरी फौज उसके against थी कि उसको ना लगाओ, बच्चा बच्चा पाकिस्तान का कह रहा था कि यार ये किसको लगा दिए. ही वुड नॉट बज. वाई? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट वाज ही इन्फ्लुएंस्ड विद टू मेक सच इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजंस फॉर द कंट्री? वो अब एक अलहदा चैप्टर है. उसके लिए हमें एक अलहदा पॉडकास्ट करनी पड़ेगी. तो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज के द पोलिटिकल लीडरशिप कैन नॉट जस्ट से एंड गेट अवे विद इट के जी हमें काम नहीं करने दिया गया, जे हमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेज थी. शाहिद खान अब्बासी 9 महीने या 8 महीने तकरीबन प्राइम मिनिस्टर रहे पाकिस्तान के. मैंने उनसे एक दफ़ा ये पूछा इन ए 1-to-1, मैंने कहा जी कि ये क्या है कि आपको प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसको काम नहीं करने दिया जाता, उसके हाथ बंधे होते हैं, उसको डिक्टेशन मिलती है, वगैरह वगैरह वगैरह. कहते हैं ऑल नॉनसेंस, मुझे तो कभी किसी ने आके नहीं बताया कि जी आप ये करें और ये करें. मैं बताता था सबको कि क्या करने की ज़रूरत है. मुझे जिसकी ज़रूरत होती थी उस इंस्टीट्यूशन को मैं बुलाता था, और ज़रूरत नहीं होती थी तो नहीं बुलाता था.
once you are competent and you are above board and you are honest, people respect you in within this system. ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ और ये मैं बात करते हुए मेरा कतन ये इनडायरेक्टली इम्प्लिसिटली मैं ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा कि एस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट. आप खुद क्या हैं? वंस यू आर कॉम्पिटिटिव इनफ एब्सोल्युटली यू डोंट गिव द स्पेस. एब्सोल्युटली मैं आपको बताता हूँ, एनसीओसी में हमने काम किया जिस कोविड की आप बात कर रहे थे. दो साल तक तकरीबन काम किया. लेफ्टिनेंट जनरल थे आर्मी के जो हमारे काउंटर पार्ट थे आर्मी की तरफ से. बिल्कुल. मैं था, असद उमर थे, फैसल सुल्तान थे. वी यूज टू टेल देम के व्हाट नीड्स टू बी डन एंड दे वुड डू इट. दे वर ग्रेट इम्प्लीमेंटर्स. दो मैंने पहली दफ़ा ये एक्सपीरियंस किया कि आपको चीज़ डिसाइड करते हैं और 24 घंटे में वो इम्प्लीमेंट होती है. इम्प्लीमेंट वो करते थे. दे विल इंश्योर के ये इम्प्लीमेंट हो. तो पॉइंट ये, उनके पास दे वर नॉट वायरोलॉजिस्ट्स, दे वर नॉट पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स. मैनेजमेंट वाली जो साइड है वो ठीक है, करनी चाहिए. इसी तरह आपके पास हुकूमत में एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है और कुछ आपके पास सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं. तो आप डिसाइड करते हैं टेक्निकली कि क्या करने की ज़रूरत है और कुछ लोग इम्प्लीमेंटर्स होते हैं. राइट. तो कभी ये नहीं हुआ कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमें ये कह रहे हैं जी कि ये ऐसे नहीं होगा ऐसे होगा. इतनों को, इनको वैक्सीन लगानी है, इनको नहीं लगा. हाउ द हेल समबडी कैन टेल यू दिस? ठीक है. तो हमने सारे फैसले खुद किए और उन्होंने पूरी तरीके से हमारे साथ तआवुन किया एंड द रिजल्ट्स आर ऑब्वियस. सो ये इट इज़ यूज एज एन एक्सक्यूज ऑल्सो टू हाइड योर इनकम्पिटेंस. आप अपनी, और फिर ये कि आपके सेल्फ इंटरेस्ट है पॉलिटिशियन ऑन द टॉप ऑफ दिस इनकम्पिटेंस. तो कहते हैं ना कि जब इनकम्पिटेंस और करप्शन जब मिल जाते हैं तो दैट्स ए लीथल कॉम्बिनेशन फॉर इट्स एट पोलिटिकल लेवल. इट किल्स द पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग फॉरवर्ड. तो पाकिस्तान में ये हुआ. अच्छा, एक इनकम्पिटेंस वाली बात तो मुझे समझ आती है. इमरान खान जो हैं उनमें ये चीज़ रही है. वन ऑफ द एग्जांपल्स दैट यू हैव गिवन इज ऑफ उस्मान बुज़दार. दूसरी जो चीज़ आपने एक बात की, करप्ट. डू यू थिंक इमरान खान इज़ करप्ट? जी, मे बी ही हिमसेल्फ, एंड आई कैन एक्चुअली knowing him the bit that I know, I don't think so. He's financially corrupt man. Okay. I don't think so. But agar aapke ird gird corruption ho rahi hai aur aapko bataya jaye ki aapke ghar mein masla hai aur aap aankhein band kar le, what you would call it? Ye bhi corruption hai. I rest my case. ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने, और उनके पास वो व्हाट्सएप मैसेजेस की कम्युनिकेशन ट्रेल मौजूद है. फरा वाला केस तो कि जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ये बताया कि जी फलाना डिप्टी कमिश्नर इतने करोड़ रुपए लेके अपनी ट्रांसफ़र कराई है और इस बंदे को पैसे दिए. एंड इफ़ यू डू नॉट एक्ट ऑन इट, क्या मैं कहूँ? अब उसमें शामिल हैं फिर तो क्या कहूँ मैं? ये फरा का केस भी तो है ना, तो वही मतलब वही नेक्सस था ना जी. सारा घर से शुरू होता है. मैंने एट वन लेवल, आई थिंक ऑल ऑफ अस, आपकी जनरेशन, मेरी जनरेशन, हमने बहुत ज़्यादा उम्मीद बांधी थी पीटीआई से. बहुत ज़्यादा होपफुल थे हम कि अब पाकिस्तान चेंज होने जा रहा है फाइनली, यू नो. और फिर जब वो बने और जो एंथुसियाज्म था उस वक्त और होता है जो हमारी, आई थिंक वी ऑल फील हर्ट इनसाइड के हाउ दैट पॉसिबिलिटी हैज बीन, व्हाट शुड आई से, टेकन अवे फ्रॉम अस एंड हाउ इट वाज रिप्लेस्ड बाय व्हाट वी सॉ. मैंने, मेरा एक डॉन में आर्टिकल मैंने लिखा था अपना एक्सपीरियंस, और उस बीइंग ए पब्लिक हेल्थ पर्सन तो मैंने उसका जो टाइटल रखा था वो था मॉर्बिडिटी ऑफ होप.
morbidity of hope. सबसे ज़्यादा जो जिस जो गजंद पहुंची है ना पाकिस्तान में, ज़हनी तौर पे, रूहानी तौर पे, कल्बी तौर पे, पिछले इस एक्सपीरियंस के बाद जब सिंस 2018, वो है उम्मीद का टूटना. पाकिस्तानियों की उम्मीद तोड़ी है पीटीआई. लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी तो आज कहते हैं कि पीटीआई ये व्हाट्स दिस. हाँ, इस पे भी आना है. अच्छा सर, हम बात कर रहे हैं अभी, हमने आपने कोविड की बात की और यू आर पार्ट ऑफ हिज कैबिनेट, तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको उसमें एग्जांपल्स मिली कि जिसमें उसकी इनकॉम्पिटेंसी एंड करप्शन इनडायरेक्ट शो होती हो? कोई has there been any personal experience? करप्शन का तो मैं जवाब दे चुका हूँ. हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस कोई इस तरह करा? देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें आप एक बड़ा डिटरमिंड डिसीजन चाहते हैं. मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ और इससे ये पता लगता है कि आप गवर्नेंस को कैसे डील करते हैं एंड हाउ यू इंश्योर और डू नॉट इंश्योर गुड गवर्नेंस. मैं हेल्थ मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स ऑन हेल्थ बनाई हुई थी. बिल्कुल याद है मुझे. थी आपको मालूम है कि हेल्थ मिनिस्टर उसका मेंबर नहीं था? ना करें जी. हेल्थ मिनिस्टर उस टास्क फोर्स में ऑन इनविटेशन बुलाया जाता था. जब दिल करे बुलाओ, जब दिल ना करे ना बुलाओ. और हु वाज रनिंग दैट टास्क फोर्स? नौशेरवा बरकी. डॉक्टर नौशेरवा बरकी वाज एक्चुअली द मैन बिहाइंड दैट टास्क फोर्स. ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर यूज्ड टू चेयर दैट, बट डॉक्टर नौशेरवा बरकी वाज द डी फैक्टो चेयर ऑफ दैट. कौन था डॉक्टर नौशेरवा बरकी? कौन था आपको पता है? नहीं मुझे नहीं. फर्स्ट कजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर. A man who has never worked in primary healthcare in Pakistan, a man who is a great expert of his own kind, lives in Connecticut, and a great respiratory expert, specialist, whatever. कोई उसमें doubt नहीं. And I have absolutely no personal, you know, मैं आपको एक phenomena बता रहा हूँ. तो वो he would call the shots. He had no एग्जेक्टिव अथॉरिटी. प्राइम मिनिस्टर की टास्क फोर्स को हेड कर रहे और वो लोगों को बुला भी रहे हैं और उनको फैसले भी कर रहे हैं, अब ये कर देना चाहिए, अब ये कर देना चाहिए, अब ये कर देना चाहिए. और विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ हेल्थ केयर इन पाकिस्तान एट द प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल, बिकॉज ही हैज नेवर वर्कड, ही डजंट अंडरस्टैंड द ये बात मैं बिल्कुल वसूख से कहता हूँ. ही डिड नॉट अंडरस्टैंड the real issues of healthcare in Pakistan. वो एक टॉप टीचिंग हॉस्पिटल कनेक्टिकट में काम किया सारी उम्र उन्होंने. यहाँ भी आके उनका सबसे बड़ा ऑब्सेशन ये था कि हमारे हम अस्पताल ठीक कर लें. फिर प्राइम मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस उसमें इसलिए उनमें इसलिए था कि उन्होंने ये जो शौकत खानम हॉस्पिटल बनाने में उनका बड़ा साथ दिया था. ठीक है, तो उनके नज़दीक पाकिस्तान के हर हेल्थ केयर का प्रॉब्लम हर हेल्थ केयर का सलूशन प्रॉब्लम का सलूशन जो था वो ये था कि अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, बिकॉज उनको हॉस्पिटल का पता था. और इसे कहते हैं ना कि अगर आपके हाथ में थोड़ा है तो आपको हर प्रॉब्लम कील नज़र आता है. बिल्कुल ठीक है. ऐसे जो आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी पे आपके डिसीजंस होते हैं. इट्स नथिंग, आई मीन वो कोई बदनीयत आदमी नहीं थे. मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एक फिनोमेना आपको बता रहा हूँ. और ये चीज़ होती है लीडरशिप लेवल के ऊपर इसको समझना. ये लीडर की विजडम होती है इस चीज़ को समझना और उसके मुताबिक फैसले करना. ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी टर्मोइल क्रिएट किया टीचिंग हॉस्पिटल्स में. कुछ बहुत अच्छे फैसले भी थे, आई सपोर्टेड देम, लेकिन आप उनके साथ अगर प्राइमरी हेल्थ केयर की बात करें, ही वुड नॉट इवन लिसन, बिकॉज ही दिस वॉज नॉट हिज कप ऑफ टी. तो ये मैं एक मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि एक तो मैंने इसमें आपको ये वादे किया है कि गवर्नेंस में आप कैसे ये कर सकते हैं कि आपने एक नेशनल
प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स बनाई हुई है और आपका जो हेल्थ मिनिस्टर है जिसको आपने खुद बुलाया हुआ है, तो वो उसका हिस्सा ही नहीं है। I'm getting it now. आप उसको इनविटेशन पे बुलाते हैं, उसकी कोई से नहीं है। अगर वो आप भी जाते हैं तो उसकी कोई से नहीं है उस टास्क फोर्स में, बिकॉज ही इज नॉट फॉर्मली पार्ट ऑफ इट। तो फिर क्या ही तो होगा? ये एक छोटी सी मिसाल है, और इस तरह के बहुत सारे और फैसले, जो फैसले करने की ज़रूरत है वो आप कर नहीं रहे, जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और कोई विजन नहीं है। और फिर जो आदमी आपको बताता है कि यूँ कर लेना चाहिए, आप कहते हैं अच्छा चलें यूँ कर लेते हैं, सोचते हैं और फिर वो उस पर इम्प्लीमेंट। हैविंग सेड दिस, COVID-19 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अगर सपोर्ट ना होती तो शायद पाकिस्तान इतना अच्छा परफॉर्म ना करता। ठीक है, यू गिव हिम द क्रेडिट, ऑफ कोर्स वेयर क्रेडिट इज ड्यू आई विल ऑलवेज गिव हिम। लेकिन वो हमारी उसमें सुनते थे, उसमें फौज भी इन्वॉल्व थी, हम भी इन्वॉल्व थे। देर लगाई उन्होंने समझने में, शुरू में बड़ा रेजिस्ट करते रहे, मास्क नहीं पहनते थे फॉर एग्जाम्पल, बड़ी मुसीबत। मैं शोर मचाता रहा कैबिनेट के अंदर कि आप मास्क पहनेंगे तो लोग मास्क पहनेंगे, आप आए ना मास्क पहन के टीवी पे, सारा पाकिस्तान मास्क पहन लेगा, खुद नहीं पहनना उन्होंने। इसमें तीन एक हफ्ते लगे मुझे उनको इस बात में कन्विंस करने, लेकिन जब उस लगा कि पानी अब सर से ऊपर जा रहा है, रियलाइज इटली में इतने लोग, हज़ार लोग मर गए, इतने लोग मर गए, जब वो इस तरह की खबरें आने लगी तो ही स्टार्टेड डोनिंग द मास्क। तो द पॉइंट इज़ के अ मैन, एवरी मैन इज़ ए मिक्सड बैग ऑफ मैनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, होती हैं। लेकिन जब आपके पास एक पॉलिटिकल नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो आपसे फिर कुछ तवक्कोआत होती हैं, और ख़ास तौर पे आप जो राइड करके आए हैं एक पॉपुलर वेव के ऊपर, जिन्होंने धरने दिए और जिन्होंने एक नई उम्मीद दी पाकिस्तान को, जिन्होंने पॉलिटिकल कल्चर पाकिस्तान का तब्दील कर दिया, जिन्होंने ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में ले आए कि जिन्होंने कभी पॉलिटिक्स में आने का सोचा ही नहीं था, जिनके साथ पूरी यूथ थी, तो दे डिज़र्व बेटर। तो उम्मीद का जो कत्ल हुआ है ना, तो परफॉर्मेंस तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी। ये तो अब जो लोग पीटीआई सपोर्टर्स हैं, मैं उनके साथ भी बाज़ुकात इस चीज़ पे कहता हूँ, मैं कहता हूँ कौन सी चीज़ जो थी वो आपको लगता है कि दैट वाज डिफरेंट? क्या जवाब होता है? बस यूँ टाइम नहीं दिया, और यही जवाब होता है ना कि टाइम उन्हें देना चाहिए था, ये जो उनका टेन्योर है वो कम्प्लीट होना चाहिए था। तो ये मतलब वो एक अलग ही बहस होती है, और मैं मोस्टली पीटीआई फैंस के साथ जो है वो इतनी ज़्यादा बहस नहीं करता। अच्छा, मैंने आपसे इसलिए पूछा कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि वट आई एम सीइंग नाउ इज़ ए ग्रेजुअल डिसइल्यूजनमेंट विच इज़ सेटिंग इन। एक तो है ना उनका वो जो हल्का है, जिसे हम कहते हैं फॉर वॉन्ट ऑफ बेटर वर्ड कल्ट, वो तो वो कहेंगे ना कि कल सूरज नॉर्थ से निकलेगा तो फिर वो नॉर्थ से ही निकलेगा, ठीक है। लेकिन जो एक बल्क है ना उनकी सपोर्टरशिप का, उसके अंदर हम इंक्रीजिंगली अब लोगों को मिल रहे हैं, अब चूंकि हम खुद एक पॉलिटिकल पार्टी हैं तो हम इंक्रीजिंगली ऐसे लोगों को मिल रहे हैं जो पीटीआई में थे, हैव नो आइडिया के व्हाट इज़ फ्यूचर, दे प्राइवेटली टेल यू कि गलत फैसले किए हमने, दे प्राइवेटली टेल यू कि ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डैमेज है पाकिस्तान में जो हमने किया, ठीक है। और उनमें से बाज़ लोग अब आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इज दिस द लीडरशिप या कॉमन लोग हैं जो, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, सिर्फ बड़ा कुछ वाजे हो जाए। तो ट्विटर पे एक दिन एक मैसेज आया कि जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे अपना नंबर दें, मेरा नाम लेके। तो मैंने उनको ईमेल दे दी, उनका उन्होंने ईमेल की, मैंने ईमेल में नंबर दे दिया। इन वन आवर वी वर टॉकिंग। बंदा बुनेर में रहता है, 1996 में उसने पीटीआई ज्वाइन की थी। पीटीआई कब बनी थी? 1996 में ही बनी थी, ठीक है। तो ही वाज वन ऑफ द अर्लीएस्ट फैंस ऑफ पीटीआई एंड इमरान खान एंड ऑल दैट। वकील है, बुनेर की जो बार है उसका प्रेसिडेंट है, मालाकंड एजेंसी की ये डिस्ट्रिक्ट है,
8 इसमें डिस्ट्रिक्ट हैं, उसने ये पिछले कोई तकरीबन 20-25 साल पीटीआई के लिए काम किया है, पार्टी ऑर्गेनाइज की है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, वहीं का है, अपनी फैमिली बड़ी एक्सटेंडेड है, वगैरह वगैरह वगैरह। नो कॉन्फिडेंस वोट से 3 महीने पहले या 2 महीने पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया था बिकॉज ही वॉज कम्प्लीटली डिसिल्यूजन बाय देन। हमारी पार्टी जब बनी है तो ये जब मेरी जब उनसे कम्युनिकेशन हुई है, ही ज्वाइन द पार्टी एंड इज ऑर्गेनाइजिंग अवर पार्टी इन बुनेर। ये मैं आपको मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये रियल लाइफ रियल टाइम मिसाल है, और आपको इंक्रीजिंगली ऐसे लोग मिल रहे हैं कि जो डिसल्यूजन हैं। अच्छा, ये वो लोग हैं कि जो पॉलिटिक्स में आए इमरान खान की वजह से थे, अगर ये इमरान खान ना होते या पीटीआई ना होती तो ये पॉलिटिक्स में ना आते, ठीक है। ये वो लोग हैं कि जब अब उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा आगे और इतने मतलब यू टर्न्स के बाद वो मतलब वर्टाइगो में हैं मेंटली, जिस तरह के फैसले हुए और जिस तरह की पोजीशंस बदली गई और जिस तरह के कोई लैक ऑफ वीएन नहीं है, कुछ नहीं है, बस पॉपुलैरिटी है, ठीक है। तो उसमें ये वो लोग हैं कि जो कभी भी अब एपॉलिटिकल नहीं होंगे, ये आए इमरान खान की वजह से, ये कभी अब एपॉलिटिकल नहीं होंगे, नहीं हो सकता, और ये लोग कभी भी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज में भी नहीं जाएंगे, ये PPP में नहीं जाएंगे, ये PMLN में भी नहीं जाएंगे, और ये किसी और पार्टी में भी नहीं जाएंगे। दे विल वॉन्ट ए न्यू हाउस, अ न्यू प्लेटफॉर्म, अ न्यू पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान फॉर ऑल दोज आदर्श आइडियल्स जो थे उनके, उनको वो प्रसूक करना चाहते हैं, लेकिन दे डोंट नो वे टू गो। और आप देखेंगे आने वाले वक्त में कि इंक्रीजिंगली ये जो एक तो कोर है ना, वो तो अभी नहीं हम छेड़ सकते उसको, जो कॉर्टेक्स है ना इस पार्टी की, आप देखेंगे कि ग्रेजुअली वो कैसे डिसइंटीग्रेट होती है। ठीक है, दैट्स व्हाट आवर एनालिसिस इज। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, जब आप ये हम गुफ्तगू कर रहे थे और हमने बात की कि जब आप स्पेस देते हैं दूसरों को तो वो स्पेस आपकी जो है वो वहाँ पे आके, अगर आप में आप कंपेटिटिव नहीं हैं, आप करप्ट हैं, तो तब भी स्पेस मिल सकती है। लेकिन व्हेन डू यू थिंक वाज़ द एग्जैक्ट टाइम व्हेन इमरान खान्स लाइक पावर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग और दूसरी पावर्स ने ओवरटेक करना शुरू किया? हाँ, बेसिकली वो जिस तरह मैंने पहले एक जनरल स्टेटमेंट दी थी आपको कि पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान ऑल्सो gave easy excuses to the establishment to ride on them, and Imran Khan did not turn out to be any different than others. Ek to ye baat hai, theek hai. Although pehle 2 saal he had a complete freedom, complete slate, jo bhi karna chahte hain aap kare. Phir unhone jab faisle galat karne shuru kiye, jisme Bajwa sahab ki extension bhi thi, kyun dete hain aap extension? Compromise of one compromise leads to another compromise lead to another compromise. दूसरा ये कि जब लोगों को ये एहसास होना शुरू हुआ कि establishment के बगैर ये parliament नहीं चला सकते, और जो parties थी छोटी जिनको इनके साथ जोड़ा गया था, बाप्स एंड MQM एंड अदर्स, जब उनको ये उनको वो फाइन बैलेंस था, वो ज़रा रुख इस तरफ करें तो पार्टी गई, आपकी पार्लियामेंट्री जो मेजॉरिटी की सिचुएशन थी वो इस तरह की थी। और फिर जब इन्होंने मतलब ये एडमेंट हो गए कुछ डिसीजंस के ऊपर, मसलन ये मैंने उस्मान बुज़दार की एक मिसाल दी आपको कि भाई आपका पूरा सूबा है, सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी मीशत है, तो मतलब आप उसका कुछ करें, नहीं सुन रहे। और
पैदर पे जब इस तरह की चीज़ें हुई और फिर जब उनको ये एविडेंस दिया गया कि जनाब आपके इर्द गिर्द चीज़ें ठीक नहीं हैं, घर को संभाले, तो ही डिसाइडेड टू चेंज द ही डिसाइडेड टू किल द मैसेंजर. इफ यू डोंट लाइक द मैसेज किल द मैसेंजर. उन्होंने कहा कि ये इनको बदल दें. जो उस वक्त जो ISI के जो DG कोऑर्डिनेशन थे, तो उन्होंने कहा जी ऐसे तो नहीं ये हम बदलते लोग. फिर उन्होंने फैज साहब के बारे में जो उनकी पॉलिसी रही. सो द क्यूमुलेटेड इफेक्ट ऑफ ऑल दिस अल्टीमेटली लेड टू दिस कंक्लूजन कि हमने वी बेट ऑन द रॉन्ग हॉर्स. और अल्टीमेटली फिर उन्होंने जब ये कहा कि अगर वो कोई अब ये इसके बारे में तो तारीख फैसला करेगी, अभी हमारे पास पूरी डिटेल्स नहीं है, कि आप जब अपोजिशन ने कहा कि हम नो कॉन्फिडेंस वोट लेकर आएंगे, तो उस वक्त तक सिचुएशन यहाँ पहुँच चुकी थी कि आर्मी ने बेसिकली कहा कि नाउ यू आर ऑन योर ओन. वो फिर नहीं संभली बात. और गुस्सा क्या है आर्मी के ऊपर, एंटी इस्टेब्लिशमेंट. जब हम कहते हैं कि PTI एंटी स्टैब, PTI तो कभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी. नहीं है वो तो नहीं. PTI तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुई है जब इस्टेब्लिशमेंट ने उसको सपोर्ट करना बंद किया. एक्चुअली दैट्स द फैक्ट. दे केम ऑन देयर शोल्डर्स. और उसके बाद जितनी भी रिटोरिक है पॉलिटिकल, साइफर केस और फलाना और जलसे और मार्च और यू नो चढ़ाई इस्लामाबाद के ऊपर वगैरह, नॉट हाँ, वो बेसिकली क्या था, वो ये था कि व्हाई यू आर नॉट सपोर्टिंग अस, प्लीज डू. दिस वाज ए क्राई फॉर हेल्प. और उसमें फिर वो ही क्रॉस्ड ऑल द लाइंस. कैसे कैसे फिर अलकाबात उन्होंने दिए. यानी उसको अगर एक फिक्रे में कहें तो जो उनका वो फिक्र है ना, वो इट सम्स इट ऑल अप कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं. बिल्कुल. अब क्या कह रहे हैं, अब न्यूट्रल हो जाए. यू सी दैट्स व्हाट इट इज. बट हैविंग सेड ऑल दिस, द मैन स्टिल हैज इज वेरी पॉपुलर, पीपल फॉलो हिम. और वो जो फॉलोइंग है ना, वो एक्चुअली मैं इसको इस तरह समझता हूँ, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, वो स्टेटस को के अगेंस्ट है. पाकिस्तान ने लोगों को दिया क्या है? वो इमरान खान की मोहब्बत से ज़्यादा वो इस चीज़ के ऊपर नाला हैं लोग. बिल्कुल. कि ये ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं चल सकता. मतलब इसलिए हमने पाकिस्तान बनाया था, इसलिए 10 लाख लोग मर्डर हुए थे, कत्ल हुए थे इस मुल्क को बनाने के लिए. 20 मिलियन लोगों ने अपने घर बार छोड़े थे इसके लिए. इस वक्त आम आदमी का क्या हाल है पाकिस्तान के अंदर? घर में बिजली का बिल आता है तो सफ़ेद मातम बिछ जाती है, लोग मारना शुरू कर दिया उन्होंने एक दूसरे को. हमारे आप हेल्थ के ऊपर तो हमने बात की नहीं है, जिस पे आपने मुझे बुलाया था उस पे आना है हमने. मतलब है कि एक देयर इज अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस इन दिस कंट्री, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस. देयर इज नो अदर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस. 40% बच्चे आपके स्टंटेड हैं मेल न्यूट्रिशन की वजह से. 43% आपकी औरतें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया उनको हुआ है. लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिलता, लोगों को खाना नहीं मिलता. दुनिया की सबसे बड़ी तादाद में बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर. ये इसलिए हमने पाकिस्तान बनाया था. तो वी हैव टू री इमेजिन दिस कंट्री और देयर इज नो फ्यूचर. हाउ डू यू सी 9th May जो हुआ और फिर उसके बाद जो PTI के साथ ट्रीटमेंट हुआ, तो व्हाट्स योर व्यू, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इट?
जो कुछ हुआ इट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल, इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल इन एनी कंट्री. ठीक है, एक बात जो 9th May को हुआ. जी जी, 9th May को हुआ. ठीक है, एक बात. दूसरी बात ये कि उसके बाद क्या हुआ, बाद में जो कुछ भी हुआ उसको आप आइसोलेशन में इंटरप्रेट नहीं कर सकते. उसका लिंक है ना उसके साथ के हुआ क्या. अगर आप उसको सख्ती से नहीं निपटेंगे इस दफा तो ये कल फिर दोबारा होगा, एंड दिस विल एक्चुअली डीस्टेबलाइज कंट्री लाइक नथिंग एल्स. आप ये इजाज़त नहीं दे सकते कि आप आर्मी की इंस्टॉलेशंस को हिट करना शुरू कर दें. दिस विल लीड टू कंप्लीट अनार्की. ठीक है, उसमें जब फिर वो क्या कहते हैं, जब आप रिटेलिएट करते हैं और आपके पास ताकत भी हो तो उसमें ज्यादतियाँ भी होती हैं. तो ज्यादतियाँ हुई हैं. हमारा पार्टी का इसके बारे में जो ओपिनियन है वो ये है कि अभी भी हमें द रूल ऑफ लॉ शुड प्रिवेल, जस्टिस शुड बी गिवन टू पीपल, ऑल दोज हु आर अरेस्टेड, इंक्लूडिंग इमरान खान बाय द वे, और उनको जो मेरिट पे जो जस्टिस डिमांड करता है उसके मुताबिक उनके फैसले होने चाहिए. ठीक है, देखिए ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और ये मतलब हम इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते. 9th May को जो कुछ हुआ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 9th May ऑफ 2023, राइट, साल से ज़्यादा हो गया. जून जुलाई अगस्त, 1 साल 3 महीने हो गए. कोई बंदा अभी तक आपने कन्विक्ट नहीं किया, किसी को सुधार नहीं हुई, जेलों में पड़े लोग, क्यों? सोचने की बात है. क्यों? या तो आपके पास एविडेंस नहीं है, या वो एविडेंस एडमिसिबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, और या आपका जस्टिस सिस्टम नहीं काम कर रहा. फॉर वट एवर द रीजन इज वाई यू जस्ट पुट पीपल इन जेल एंड डोंट प्रोसीड विद जस्टिस एंड गिव देम जस्टिस. भाई अगर उनको उनका कसूर है वो सजा दो, कसूर नहीं है उनको छोड़ो. लेकिन ये क्या है कि लोग जेलों में पड़े हैं और आप उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे, आपने कोई ट्रायल ही नहीं किया किसी को प्रॉपर अभी तक. तो हम ये समझते हैं कि ये गलत है. हमारा ये ख्याल है कि एक्सेस टू जस्टिस इज़ ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए. तो सर इसकी रिकॉन्सिलिएशन क्या हो सकती है? रिकॉन्सिलिएशन इसकी सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं किसी पार्टी के पास फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, और किसी पार्टी, कोई एक पार्टी अकेले पाकिस्तान को आगे लेकर नहीं जा सकती. ठीक है, तो फिर होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि हम अपनी अना को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख के, अगर हमें वाकई दर्द है इस मुल्क का और वाकई हम समझते हैं कि हम लोगों को सर्विस देना चाहते हैं, लोगों को सर्व करना चाहते हैं, तो सब लोगों को आपस में बैठ के, और मैं जब सब लोग कह रहा हूँ तो उसमें सब शामिल है, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज, सर्विस वाला तो मादा ही नहीं नज़र आता, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें आपके फौज, उसमें आपकी अदलिया, उसमें आपके इंडस्ट्रियलिस्ट, उसमें आपके उलमा, इन सबको इकट्ठे बैठ के अगले 20 साल का सोचना चाहिए कि पाकिस्तान किधर जा रहा है और हम इसे किधर ले जाना चाहते हैं, उस पर कॉन्सेंसस करना चाहिए. उसके बाद पॉलिटिक्स करनी चाहिए,
लेकिन वो जो एजेंडा ये तय करें फ्यूचर का, वो किसी को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि फिर उसे इधर उधर करें अपने सियासी मुफाद के लिए, उसको डीरेल कोई ना करे, उसको कोई डीरेल। अगर ये हम करें तो पाकिस्तान विल बी इन अनदर ट्रैजेक्टरी, और अगर हम ये नहीं करते तो वी आर फेलिंग अवर पीपल एज पॉलिटिकल लीडर्स एंड एज पॉलिटिकल पार्टीज। इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है अभी, उसके पास क्या प्लान ऑफ एक्शन है? हम समझते हैं कि एक तो है, हम अभी 6 जुलाई को हमने लॉन्च की थी पार्टी, 6 अगस्त और आज क्या 19 तक, 1.5 महीने से कम उम्र है हमारी पार्टी की, और हमने इलेक्शन के बाद पार्टी बनाई है। बिल्कुल ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं कि हम जी फटाफट कुर्सी पर जाके बैठ जाएं। वी वॉन्ट टू नर्चर गुड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, वी वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज पार्टी इन होल ऑफ द कंट्री, 166 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। वी वॉन्ट टू क्रिएट ए पार्टी के जिसके अंदर लोगों को ये उम्मीद हो कि वो इस पार्टी का अगर मेंबर बने और इसमें मेहनत करें और इसके अंदर इनपुट डालें तो वो एक दिन इस पार्टी के प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। इस तरह का मॉडल होना चाहिए। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, वो हम इंश्योर कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 2 टर्म से ज़्यादा कोई ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता पार्टी में, ताकि यंग लोग आएँ और पार्टी को पार्टी में लीडरशिप जो है वो चेंज होती रहे और नर्चर हो और वगैरह वगैरह, और कोई डायनेस्टिक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हम इसके अंदर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और सबसे बढ़ के ये कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर्म टू ग्रैब पावर, पॉलिटिकल पावर विच इज़ एब्सोल्युटली लेजिटिमेट, बट पॉलिटिकल पावर फॉर व्हाट, ये बड़ा क्वेश्चन है। हम भी चाहते हैं हमें पॉलिटिकल पावर मिले, हमारे पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो, बट फॉर व्हाट, किस लिए? तो क्या हमने डिफाइन किए हैं पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े इश्यूज क्या हैं और हमारे पास उनको एड्रेस करने के लिए, इफ़ेक्टिवली एड्रेस करने के लिए हमारे पास रोड मैप क्या है? हम अगर हमें आज इक्तदार मिल जाए, लेट्स से तो पहली बात यह, तो हम ये कहेंगे कि हम इश्यूज को लिस्ट करेंगे पहले, हर इशू के ऊपर एक वाइट पेपर होगा हमारा, पोजीशन पेपर होगा, क्योंकि पाकिस्तान के हर शोबे को इस वक्त रिफॉर्म की ज़रूरत है। हर जगह मसाइल है, हर जगह पे मसाइल है और चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, मैन मेड भी और नेचुरल भी। बिल्कुल, नेचुरल भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं ऐसे। एग्जैक्टली इससे मेरी मुराद यह है कि बॉर्डर्स पे टेररिज्म बढ़ रहा है, हमारे लोग रोज मर रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज नेचुरल एक चैलेंज है जिसकी भी आपको तैयारी करनी। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए आपके पास हर इशू के ऊपर आपका एक प्रोग्राम होना चाहिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है? राइट। और उसमें सियासत से बालातर होके आपको उन इश्यूज़ को वर्कआउट करना है, और द बेस्ट पॉसिबल एक्सपर्टीज जो आपके पास है मुल्क में या मुल्क से बाहर, उसको आपने इनकॉर्पोरेट करना है। तो आई एम वेरी प्लीज टू टेल यू दिस कि अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग द पार्टी इट्सेल्फ, हमने एक अवाम पाकिस्तान पॉलिसी थिंक टैंक इस्टेब्लिश किया है। अच्छा। जिसको के चेयर कर रहे हैं इस वक्त द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर तारिक बिनोरी, उसको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कुछ एक कोर ग्रुप है, फिर हमने लिस्ट किए हैं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े मसले के हैं, हर मसले के ऊपर फिर एक एक्सपर्ट ग्रुप बना रहे हैं जो कि अपने जिन्होंने कुछ ने काम शुरू कर दिया है। ये तो अभी मैंने आपके यहाँ से पॉडकास्ट से उस मीटिंग में जाना है। अच्छा। थिंक टैंक की मीटिंग है, हर मंडे को 7 बजे हमारी मीटिंग होती है।
ठीक है, एंड वो हम सिर खपा रहे हैं उसके अंदर अपना कि कैसे हम इन चीज़ों को वर्कआउट करें। और हर इशू के ऊपर जो हमारा वाइट पेपर होगा उसको हम पब्लिकली लॉन्च करेंगे कि ये इशू ऐसे सॉल्व हो सकता है। पहले तो उसको देखना ना कि इशू है क्या, आपका सिचुएशन एनालिसिस क्या है और आपका वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड मीन्स आपका रिफॉर्म एजेंडा क्या है, ठीक है। लेकिन वुड दैट बी प्रैक्टिकल, लाइक जो उसका आप रिफॉर्म एजेंडा देंगे क्या मतलब प्रैक्टिकल? मतलब मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान में अगर एक्सट्रीमिज्म है तो एक्सट्रीमिज्म के कहाँ कहाँ पे जाके सॉल्यूशंस उसके एग्जिस्ट करते हैं? एब्सोल्युटली देखे ना, हम टेररिज्म सर उठाता है, हम उसके सर को दबा देते हैं ऑपरेशंस करके, बस हम कहते हैं ऑपरेशंस करके। इस वक्त हम ये कर रहे हैं यार, जब तक इनकी रूट कॉजेज में आप नहीं जाएंगे कैसे आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं? आपने सुना हुआ ना अंग्रेजी में कि यू कैन कंटिन्यू टू मॉप द फ्लोर। अगर आपकी टूटी खराब है और मुस्तकिल वो पानी आ रहा है कमरे में, तो एक तरीका ये है कि उसको मुस्तकिल पानी को आप कमरे से बाहर निकालते हैं, या तो टूटी ठीक करवा लो, यार टूटी भी ठीक करा ले, तो फिर आप मॉप भी करेंगे ना तो उसका उससे कोई फर्क पड़े। उसके पीछे कोई आइडियोलॉजी है ना जिसकी बात करें, तो देर आर वेज ऑफ डूइंग इट। कोई मसला ऐसा नहीं होता कि जिसका हल ना हो। अभी ये बजट जब आया तो इसके ऊपर जब लोगों की चीहें निकली हैं, बिजली के बिल जब आए तो हमने सबसे पहले इसको, हालांकि अभी हम बिल्कुल नई पार्टी थे, द ओनली पार्टी विच स्टार्टेड, बाद में कुछ लोगों ने बैंड वैगन पे जंप किया इसमें, इंक्लूडिंग द रूलिंग पार्टी। उन्होंने भी, नवाज शरीफ साहब ने जो भी दो तीन दिन पहले जो तकरीर की है तो उसमें भी उन्होंने वही चीज़ें कही हैं कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कराची में KDA के सामने खड़े होके पूरा मन एहतजाज में किए हैं कि यार क्या ज़रूरत है आपको इन बिलों, एक तो बिल आ रहे उसके ऊपर टैक्स लगाया हुआ है, कई टैक्सेस हैं। डोमेस्टिक यूज़र्स जो हैं वो बिल के ऊपर 24% टैक्स दे रहे हैं पाकिस्तान में, कमर्शियल 27% दे रहे हैं, इंडस्ट्रियल 37% दे रहे हैं। वो खुदा का खौफ करो यार, ये रेवेन्यू आपने रेवेन्यू यहीं से बनाना है गवर्नमेंट ने? जो आपने PSDP डबल किया है उसमें से अगर 400 बिलियन आप कम कर लें तो ये आप लोगों को रिलीफ दे सकते हैं, प्रोवाइडेड वी थिंक दैट वे। तो हल हर चीज़ का होता है, सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना है आपने कि आपने लोगों को रिलीफ देनी है, यू आर हेयर टू सर्व पीपल और यू आर ओनली हेयर फॉर पावर एंड टू रिटेन पावर एंड रिटेन पावर एट एवरी कॉस्ट। उसमें आपको वो गोइंग बैक टू स्क्वेयर वन, उसमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, उसके लिए आपको किस कहीं लेटना पड़े, आपको म्यूजिकल चेयर चल रही है पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट्स के अंदर, दिस इज नॉट ऑन, वी आर डिगिंग डीपर एंड डीपर फॉर आवरसेल्फ्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि आपने हेल्थ क्राइसिस की बात की और आपकी बहुत ही आपने एक्सटेंसिव काम किया, अभी भी आप कुछ आप कह रहे थे कि मैं फ्रीलांस काम कर रहा हूँ इस पर, और जिस तरह से आपने बात की कि 40% हमारे यहाँ स्टंटेड चिल्ड्रन है, ठीक है, एंड दैट्स टू मच। लाइक मैं आम लोगों के लिए ये सवाल आपसे पूछूंगा कि अगर 40% स्टंटेड लोग हैं तो वो जो जनरेशन आगे जाके बड़ी होगी तो वो कैसी होगी? अल्लाह आपका भला करे कि आप ये समझते हैं कि स्टंटिंग क्या है और इसके फ्यूचर इम्प्लिकेशन, कि हम तो स्टंटिंग पे बात करके आगे गुजर जाते हैं। स्टंटिंग मेल न्यूट्रिशन की वजह से होती है, ये फिज़िकल भी होती है मेंटल भी होती है। अगर पहले 1000 दिन बच्चे की ज़िंदगी के जो हैं उसमें अगर इसको रिवर्स ना किया जाए, उसको सही खुराक दे के और उसकी निगहदाश्त करके, तो ये इरिवर्सिबल हो जाती है फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, बंदा पूरी लाइफ ऐसे रहेगा। मेंटली का मतलब ये है कि इनका ज़ेहन कमज़ोर होगा, जिसका मतलब है कि इनका IQ लो होगा, जिसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयबिलिटी इनकी जो है वो बड़ी या नहीं होगी या बहुत लोअर लेवल पे होगी। फिज़िकल स्टंटिंग का मतलब ये है कि वो फिज़िकली वीक होंगे, दे विल नॉट बी एबल टू यू नो फेस फिज़िकल स्ट्रेस, तो फिट नहीं होंगे ये बच्चे। अगर इरिवर्सिबल स्टंटिंग में चले चले जाते हैं
तो ये बजाय इसके कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को में कंट्रीब्यूट करे, बर्डन है ये इकोनॉमी की लाइबिलिटी बन जाते हैं। जब तक आप इस गहराई से किसी अब हेल्थ कह रहे हो ना, और लोग मुझे कहते हैं कि हेल्थ और पॉलिटिक्स का क्या ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है बहुत गहरा ताल्लुक है। हर मैं बताऊं, हर मसला जो है वो पॉलिटिक्स पे जाके खत्म होता है, हर मसला गवर्नेंस। गवर्नेंस पे जाके खत्म होता है। तो आप देखें इसकी इम्प्लीकेशंस। वर्ल्ड बैंक ने पिछले साल एक यहाँ पे बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने पाकिस्तान के जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं वो उठाए और एक रिफॉर्म एजेंडा बनाया। पहला इशू फैसल जो उन्होंने उठाया ना, वो था बच्चों की स्टंटिंग। पहला पॉलिसी डॉक्यूमेंट उन्होंने जो प्रोड्यूस किया वो बच्चों की स्टंटिंग थी। लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे उसके सिलसिले में प्रॉपरली। और ये एक चीज़ मैंने आपको बताई है, बिल्कुल ठीक, एक चीज़ मैंने बताई है। मतलब मैं आपको एक बड़ी लंबी फहरिस्त बता सकता हूँ उन ट्रेजेडीज़ की कि जिनसे हमारे लोग गुजर रहे हैं एज फार एज देयर हेल्थ इज़ कंसर्न। और ये सबको पता और सब पता है, सबको पता है, लेकिन हम क्या उसके लिए करें? इज़ इट आवर प्रायोरिटी इन पाकिस्तान? 1% ऑफ GDP से कम हम खर्च करते हैं हेल्थ के ऊपर। वो वी आर वन ऑफ द लोएस्ट स्पेंडर्स ऑन हेल्थ इन द वर्ल्ड। WHO कहता है कि कम से कम 5% खर्च करो GDP का। किसी पॉलिसी मेकर से बात करो, कहता है जी फिस्कल स्पेस नहीं है। मैं कहता हूँ कि फिस्कल स्पेस का नहीं मसला, मसला फिस्कल प्रायोरिटी का है। आपके नज़दीक आपके घर के बच्चों की सेहत प्रायोरिटी होती है कि नहीं होती? होती है। बच्चा बीमार हो तो आप दफ्तर से भी छुट्टी ले लेते हैं कि नहीं ले लेते? चाहे कितनी बड़ी आपकी डील थी होने वाली। अब आपका बच्चे की अगर लाइफ एंड डेथ का मामला हो तो आप प्रॉपर्टी अपनी सारी बेच लेकिन देते हो। मुल्की सतह पे हम इस तरह नहीं सोचते। मुल्की सतह पे वो इस किसी तरह की और के बात, बच्चे लोग हैं। किसी और के बच्चे हैं, और जिन लोगों के वो बच्चे हैं ना उनकी आवाज़ है ना उनकी को उनका कोई इन्फ्लुएंस है। और फिर ये कि चूंकि हमारे बच्चों को तो हेल्थ केयर ठीक मिल रही है, हम शहरों में रहते हैं, हमारी एक्सेस है बड़े बड़े स्पेशलिस्ट के साथ, वो ज़्यादा मसला हो तो हम दुबई चले जाते हैं, उससे बड़ा मसला हो तो हम लंदन चले जाते हैं। तो ये कीड़े मकोड़ों को हमने क्या देखना है, ये माइंड सेट है नतीजा इसका। ये देखें, जितने मैं आपको, चूंकि वक्त कम है, मैं आपको एसेंस बता देता हूँ। जी बस कंक्लूड करते हैं। एसेंस ये है हेल्थ का कि पाकिस्तान में जो इस वक्त पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज़ का है, चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का है, चाहे वो मदर एंड चाइल्ड केयर के बारे में है, उसका हल प्राइमरी हेल्थ केयर में है, जहाँ पे प्रिवेंशन भी होती है, जहाँ पे प्रमोशन भी होती है, जहाँ पे एजुकेशन भी होती है, और जहाँ ज़रूरत है ट्रीटमेंट भी होता है। पाकिस्तान बावजूद इसके कि 1% से कम खर्च करता है, उस 1% का 70% हम बड़े अस्पतालों पे खर्च करते हैं, सिर्फ 30% हम प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर खर्च करते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस है जो समझना है किसी? इसलिए कि हमारी प्रायोरिटी नहीं है। तो हम इंशाल्लाह महीने 2 महीने के अंदर अंदर अपना पोजीशन पेपर ला रहे हैं हेल्थ केयर के ऊपर पाकिस्तान में। आप क्योंकि ये बिल्कुल आखिर में आपके जो ऑडियंस हैं जो आपका देखते हैं पॉडकास्ट बड़ी शॉर्ट सी ऑडियंस है। जितनी भी है, इट्स ए फ्यू, तो मैंने जो कहा फ्यू कंसर्न सिटीजन्स हु कैन चेंज द वर्ल्ड, इट्स ओनली थिंग दैट एवर हैज, पे अटेंशन टू दिस पार्टी, बिकम पार्ट ऑफ इट एंड शेप द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स एंड द किस्मत ऑफ दिस कंट्री। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।